खबर मध्य प्रदेश के सीहोर से है, जहां वन माफियाओं के मंसूबे पर वन विभाग ने पानी फेर दिया है। जी हां, आपको बता दें, लाड़कुई वन परिक्षेत्र के सामने से वन माफिया 36 बेस कीमती सागौन की सिल्लियों से भरा नया सोनारी का ट्रैक्टर निकालने की जुगाड़ में थे। जैसे ही इसके बारे में वन विभाग को पता चला, वैसे ही वन विभाग की टीम ने सागौन की सिल्लियों से भरे ट्रैक्टर को जब्त कर लिया और साथ ही ट्रैक्टर चालक को भी गिरफ्तार कर लिया। फिर भी तीन अन्य आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे। भाई आपको बता दें, जब्त की गई सागौन की सिल्लियों की कीमत 7 लाख रुपए के करीब बताई जा रही है। कल रात मतलब 15/4 को रात्रि करीब 8-8:30 के बीच में एक मुखबिर के द्वारा हमको सूचना प्राप्त हुई है कि नवलगांव सेवनिया की तरफ से सोनाली का ट्रैक्टर नया, उसमें संभवतः लकड़ी आयुर्वेद बनों पर रखी हुई है और वो आपके वहाँ से निकल रहा है यहाँ से। तो जैसे हमने मुखबिर के आधार पर हमने घेराबंदी ये कॉलेज के सामने की और जैसे करीब 10-15 मिनट उधर से आया, उसमें रोककर पूछताछ की, लेकिन हमारे जैसे वहाँ पर ट्रैक्टर में जो सवार कुछ लोग थे, वर्दीधारी खड़े होकर देखकर रोकने के प्रयास में तत्काल उतर करके भागे और अंधेरे में लोगों भाग गए, लेकिन परंतु उसमें हमने एक लड़के को मौके पे एक व्यक्ति को पकड़ लिया जिसका नाम गणपत है, पिता रूप सिंह बारेला है, ये निवासी ढाईखेड़ा का है। जो चार अन्य लोग भागे उनमें राहुल पिता साय सिंह, सर्जन पिता सुरेश, राजकुमार पिता ज्ञान सिंह कोरकू और शुभम मीणा स्वरूप गुराड़ी। जब उसमें जगह उसमें तिरपाल से ढकी हुई थी, उसमें सागौन सिल्ली पाई गई और उसमें भूसा भी भरा था। कितनी सिल्लियाँ थी उसमें? हमने फिर कैंपस में ला के गणना करी तो उसमें 36 सिल्ली भाई, और उसके फिर मेजरमेंट भी किया, करीबन 1.097 इसका CMT है, और मूल्यांकन भी किया हमने 54,55,000 अनुमान से। नया ट्रैक्टर है जिसकी कीमत हम आकलन कर सकते कि 7 लाख रुपये है।